हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं स्पेशल बुटू के चैनल पर सबको स्वागत है। मैं हूँ हमेशा की आपकी दोस्त जो रसदीर भाई हूँ मैं। मेरे नाम शावन भी है, आप लोग मुझे शावन भी बुला सकती हो। तो यार ये जो आज बात करूँगा वही कि चेन्नई वर्सेस पंजाब की मैच जो होने वाला IPL की जो 53 मैच है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। कौन सा टीम ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती है, और आप लोगों को मैंने ये पंजाब जो है वो पिछले मैच हार के आया है और चेन्नई जो है चेन्नई भी पिछले दो मैच हार के आया है, तो सब कुछ बताऊंगा कि आज कौन सा टीम विनर हो सकती है या फिर कौन सी टीम लेने के लिए आप लोग आपकी दिमाग का काम करना चाहिए। तो यार चलो आज हम बात करते हैं कि ये जो 53 मैच है, 53 मैच की विनर कौन सा टीम है। चेन्नई जो है चेन्नई तो अपनी दूसरी मैच भी दो मैच हार के आया है, और लास्ट जो मैच हारा है वो यार क्या बताऊँ कि अगर शिवनो नेटमन की कैच ड्रॉप नहीं होता तो वो शायद मैच जीत सकती थी चेन्नई ने, लेकिन कैच ड्रॉप करके वो मैच भी हार गई है। एक बात है ना, कैच मिस तो मैच मिस यार है। इसी बात की जो दिल्ली है, दिल्ली ने प्रमाण कर दिया है। और पंजाब की बात करो तो पंजाब भी अपनी पिछले मैच यार क्या बताऊँ कि वो हारने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी हार गया है। 10 ओवर पे 90 रन बन गए थे, लेकिन फिर भी 164 रन की पारी नहीं कर पाया। ये जो पंजाब है वो एक दुख की बात है पंजाब के लिए। लेकिन यार दोनों टीमों की अगर बैटिंग बॉलिंग देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये जो बॉलिंग लाइन है, बॉलिंग लाइन थोड़ा सा चेन्नई की आगे है, यानी कि बेहतर है। और बैटिंग लाइन की बात करो तो बैटिंग लाइन मेरे हिसाब से दोनों टीमों की बैटिंग लाइन अप जो है वो मेरे हिसाब से सेम टू सेम है बैटिंग लाइन अप। क्योंकि ये जो लोकेश राहुल, ये जो मायनक अग्रवाल, क्रिस गेल या फिर ये जो निकोलस पुरान है, पुरान को छोड़ के ये जो मार्कांदे साउथ अफ्रीका की प्लेयर, वो भी एक अच्छी प्लेयर है, बहुत ही हिट स्ट्रोक है ये जो प्लेयर है मार्कांदा। और उसको छोड़ के सरफराज खान, ये जो शाहरुख खान भी इस टीम के साथ है, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर। ये दोनों प्लेयर मेडल ऑर्डर पर खेलती है और बहुत ही अच्छी खेलती है तमिलनाडु मैच पर, सीरीज़ पर बहुत ही अच्छी खेलता है। ये जो दोनों प्लेयर की मैंने नाम बताया, सरफराज और ये जो शाहरुख खान की मैंने नाम बताया आप लोगों को। ये तो था पंजाब की बैटिंग लाइनअप। और बॉलिंग लाइनअप की बात करो तो बॉलिंग लाइनअप मोहम्मद सिराज को छोड़ के मुझे उतना अच्छा खासा बॉलर नहीं देख रही है। विष्णु जी है, विष्णु कभी कभी अच्छी बॉल कर लेती है स्पिन, और इसके साथ साथ अर्शद सिंह है, अर्शद सिंह भी कभी कभी कर लेती है, लेकिन जो फॉर्म में होना चाहिए वो बॉलर नहीं है इस पंजाब के पास। और चेन्नई की अगर बात करो बॉलिंग लाइनअप, तो चेन्नई की बॉलिंग लाइनअप आप लोगों ने पिछले मैच में भी देखा होगा किस तरह की बॉलिंग लाइनअप किया था। ये जो चाहर है, चाहर ने किस तरह से बॉलिंग किया था, शार्दुल ठाकुर जो है, ठाकुर भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग किया था, जॉश हेजलवुड भी अच्छी बॉलिंग किया था पिछले मैच में इसको छोड़कर, रविंद्र जडेजा या फिर ये जो सैम कुरान थोड़ा सा ढीला पड़ गई थी, लेकिन मोइन अली एक्सपीरियंस एक बॉलर है, रविंद्र जडेजा एक एक्सपीरियंस बॉलर है, ऑलराउंडर है। और बैटिंग लाइनअप की बात करो तो बैटिंग लाइनअप भी बहुत ही अच्छी है। एफ एफ डू प्लेसिस और ये जो गायकवाड़ की ओपनिंग करती है बहुत ही अच्छी है, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाती है। उसके छोड़ के यार ये जो एम एस धोनी की फॉर्म नहीं है, एम एस धोनी की फॉर्म बहुत ही बुरी चल रही है। पिछले मैच में 27 बॉल खेल के वो 18 रन बनाया था, वो बहुत ही एक कमज़ोर बैट्समैन की तरह खेला था पिछले मैच में, तो शायद इस मैच में रिकवर करना चाहिए इस एम एस धोनी को। उसके छोड़ के ये जो सैम कुरान है वो भी लंबी लंबी 6 मार सकती है। ये जो मोइन अली है, अगर टिक जाती है तो कोई भी बॉलर की धज्जियाँ उड़ा सकती है मोइन अली। और सबसे बड़ी अच्छी लगती है चेन्नई की जो मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगती है। ये जो एम्बरू रायडू, सुरेश रायना, रविंद्र जडेजा बहुत ही अच्छी अच्छी तीनों ऑलराउंडर है, और तीनों को तीनों ही बहुत ही अच्छी खेल सकती है, मैच विनर की प्लेयर है। ये सब मैंने जो नाम बताया आप लोगों को, तो दोनों टीमों की पल्ला बहुत ही अच्छी है। और ये दोनों टीमें, दोनों टीम की पास जो है वो 11 मुकाबला हुआ है, 11 मुकाबला से 7 मुकाबला जो है वो चेन्नई ने जीता है, और 4 मुकाबला सिर्फ पिछले 4 मुकाबला जो है वो पंजाब ने जीता है। और लास्ट 3 मैच जो है इस साल के 1 मैच और पिछले साल के 2 मैच है वो चेन्नई ने जीता था। तो मेरे हिसाब से चेन्नई की पल्ला थोड़ा सा भारी है, लेकिन मुझे लगता है इस मैच में पंजाब 6 मार सकती है। तो ये तो था दोनों टीमों की कंप्यूटर, और मेरे हिसाब से ये जो मैच है, मैच की विनर जो है वो मैं बोलूँगा कि या सेकेंड जो बैट करती है, सेकेंड टीम आज दुबई पर मैच होने वाला है, तो सेकेंड बैट के साथ जाना ही मुझे अच्छा लगेगा। तो चलते हैं आज के लिए, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।